नमस्ते दोस्तों, आज के एक नए एक्साइटिंग वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको स्मार्टफोन की बैटरीज के बारे में ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं जिन्हें लोग सच मान बैठते हैं। इन्हें गलतफहमी हो जाती है, वह सच मान बैठते हैं, गलतियां कर जाते हैं और वो बेवकूफ़ भी बन जाते हैं। अब आप बोलोगे कि कौन सी ऐसी गलतियाँ हम कर देते हैं और कौन से ऐसे सच को हम मान जाते हैं और वो चीज़ हमें अभी तक पता नहीं है। रुको, ज़रा सब्र करो। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रसाद और आप देख रहे हो वाव टेक्निकल वीडियोस। लेट्स स्टार्ट, लेट्स एक्सप्लोर। दोस्तों, नंबर वन, ओवरनाइट चार्जिंग। वेल, आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगह पर आपने पढ़ा भी होगा या फिर बहुत से लोगों ने आपसे कहा भी होगा कि अपने अपने फ़ोन को कभी भी लेट नाइट तक या फिर रात भर तक अपने फ़ोन को चार्जर पर लगाकर नहीं सोना चाहिए। अगर ऐसे में आप ये करते हो तो आपका फ़ोन ब्लास्ट हो सकता है, आपकी फ़ोन की बैटरी ख़राब हो सकती है या फिर फ़ोन ख़राब हो सकता है। दोस्तों, यह तो एक अफवाह है या फिर एक मिथ है। जब ये अफवाह मार्केट में आई थी, जब मोबाइल फ़ोनों में निकल आयन की बैटरी इस्तेमाल की जाती थी और उस वक्त स्मार्टफोन इतना ज़्यादा भी स्मार्टफोन नहीं करता था जैसे आजकल का है। आजकल के स्मार्टफोनों में आपने देखा होगा कि जितनी भी बैटरी यूज़ होती है उनमें लिथियम आयन से बनी होती है और आजकल के स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। अगर आप कंपेयर करोगे अपने पुराने टाइम के स्मार्टफोनों से तो आजकल के फ़ोनों में जो प्रोसेसर यूज़ किया जाता है वो काफ़ी पावरफुल होता है और उनमें काफ़ी ज़्यादा AI टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है और उसमें ऐसा फंक्शन डाला जाता है कि एक बार आपका फ़ोन 100% तक चार्ज हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली चार्जिंग से डिस्कनेक्ट कर देता है ताकि आपका फ़ोन और ज़्यादा चार्ज ना होगा। घबराने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, अपने फ़ोन को चार्ज कर लगा कर आप सो सकते हो। बट एक बात को आपको ध्यान में रखना है, अपने बेड के पास कभी भी अपने फ़ोन को चार्ज पर लगा कर मत सोना है, क्योंकि भैया क्या पता कि कुछ प्रॉब्लम आ जाए, आपके फ़ोन चार्ज में कोई फॉल्ट हो, चार्जर में कोई प्रॉब्लम हो या फिर अपने स्मार्टफोन में कोई प्रॉब्लम हो, शॉर्ट सर्किट हो जाए, कुछ भी कह नहीं सकते। इसके लिए आप थोड़ा सा फ़ोन को दूरी रखना चाहिए। दोस्तों, नेक्स्ट, दूसरे फ़ोन के चार्जर से अपने फ़ोन को चार्जिंग करना डेंजरस यानी ख़तरनाक होता है। अब ये देखो दोस्तों, यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा झूठ है, थोड़ा सा सच है। वेल, अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि देखो दोस्तों, अगर आपको कोई भी ब्रांडेड चार्जर या कोई भी एक कंपनी का चार्जर को इस्तेमाल करते हो, यानी कि एग्जांपल दो तो अगर आपके पास सैमसंग का फ़ोन है और आप ओप्पो, वीवो, रियलमी के चार्जर को यूज़ करते हो, देन कोई दिक्कत नहीं है या फिर कह लो तो कोई रिस्क नहीं है। यहाँ पर दोस्तों, जो भी आप स्मार्टफोन ब्रांड होते हैं, जो बढ़िया स्मार्टफोन ब्रांड होते हैं, वो लोग जो चार्जर को डिज़ाइन करते हैं वो सभी तौर पर सेफ्टी को ध्यान रखकर यहाँ पर अपने फ़ोन के लिए चार्जर बनाते हैं और उन्हीं चार्जर से आप अपने किसी भी स्मार्टफोन को यूज़ कर सकते हैं चार्जिंग के लिए। ऐसे में यहाँ पर कोई रिस्क नहीं होता है। बट यहाँ पर आप दोस्तों कभी भी लोकल ब्रांड के चार्जर को इस्तेमाल करते हो जिनको सेफ्टी में ध्यान में रखकर नहीं बनाया जाता है, तो ऐसे में भैया आपके मोबाइल के लिए ख़तरनाक हो सकता है। इसके लिए मैं कहता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा सच भी है और थोड़ा सा झूठ भी है। तो यहाँ पे हम हमेशा अपने कोई भी दूसरे ब्रांड के चार्जर को यूज़ करना चाहते हो तो अपने फ़ोन के लिए ब्रांडेड स्मार्टफोन के चार्जर हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कोई भी लोकल चार्जर है यानी कोई भी लोकल मार्केट से उठाया गया हो, खरीदा गया हो, तो इसमें कोई ब्रांड नहीं है, ऐसे में आपको थोड़ा सा सावधान होना चाहिए। अभी यहाँ पर आपको थोड़ा सा अलर्ट भी होना चाहिए क्योंकि मार्केट में कुछ होशियार चंद होते हैं जो आपको ओरिजिनल चार्जर बोलकर सस्ते में चिपका देते हैं और ऐसे में आप उनसे वह खरीद भी लेते हैं, तो इन होशियार सिंह लोगों से आपको ज़रूर अलर्ट रहना चाहिए। दोस्तों, नेक्स्ट, ये जो अफवाह है, ये जो इंटरनेट पे बहुत तेज़ी से फैला जा रहा है और वो ऐसा कहते हैं कि ऐसे करने से आपके मोबाइल की बैटरी ज़्यादा खर्च होगी। यस, मैं बात कर रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करने की। ये बहुत से लोग इंटरनेट पे कहते हैं कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे, अगर बेल आइकन को नहीं दबाओगे, ऑल क्लिक नहीं करोगे, तो ऐसे में आपकी बैटरी ज़्यादा खर्च होगी। दोस्तों, ऐसा नहीं है, करके तो देखो। मैं क्या आपसे झूठ बोलूँगा क्या? हद कर दी यार, भरोसा नहीं है अपने भाई के ऊपर। सब्सक्राइब करके तो देखो, आपकी बैटरी ज़रूर खर्च नहीं होगी। दोस्तों, नेक्स्ट गलतफहमी। वेल, ये जो गलतफहमी है यहाँ बच्चे कर देते हैं या फिर पहले कोई स्टूडेंट कर लेते हैं, जो आजकल के बच्चे फ़ोन पर ज़्यादा गेमिंग करते हैं वो लोग सोचते हैं यहाँ पर हॉट प्लेस पर या फिर दोस्तों जो टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ पर, ऐसे जगह पर हम अपने स्मार्टफोन को यूज़ करते हैं या फिर गेम खेलते हैं तो ऐसे में हमारे स्मार्टफोन को कुछ नहीं होगा और ऐसे में
जो हमारा स्मार्टफोन है वो हीट हो जाएगा, और ऐसे में हमारा स्मार्टफोन ज़्यादा स्मार्ट है तो ऐसे में हमारे फ़ोन को कुछ नहीं होगा। अगर आप ऐसे सोचते हैं तो आप नूब हो। ऐसे में आप फ़ोन को कभी भी हाई टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ पर यूज़ ना करें, इग्नोर करें वहाँ पर जो फ़ोन यूज़ करना, क्योंकि आपके फ़ोन का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा और फ़ोन की बैटरी ज़्यादा ड्रेन होती जाएगी, और ऑफकोर्स आपके फ़ोन की बैटरी पर ज़्यादा असर बढ़ने लगेगा और आपके मोबाइल की बैटरी की लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। दोस्तों नेक्स्ट, इंटरनेट की दुनिया में ऐसे भी कोई महाशय होते कि यह अफवाह फैला देते हैं कि आपके फ़ोन पर तभी चार्ज करना चाहिए जब आपका फ़ोन डेड हो जाए, आपके फ़ोन की बैटरी 0% तक हो जाए, या फिर कह लो कि 3-4% के आसपास आ जाए, तब आपके फ़ोन को चार्ज कर सकते हो, इस वजह से कि आपकी मोबाइल की बैटरी की हेल्थ बढ़िया रहेगी। अब ऐसे में कोई भी महाशय है जो इन बातों को सच मान बैठते हैं? अब आपके मन में भी सवाल होगा कि हमें अपने फ़ोन को कब चार्जिंग में लगाना चाहिए, तो इसका जवाब है जब मर्जी। आपको जब भी लगे आपके फ़ोन की बैटरी कम हो रही है और आपको और ज़्यादा बैटरी की ज़रूरत है तो आप अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। तो कोई भी महाशय आपसे बोले कि आपके फ़ोन की 100% या 3-4% होने के बाद ही चार्जिंग पर लगाना चाहिए, तो फिर आप उनकी बात ज़रा भी मत मानना। आप जब भी फ्री हो तो आप अपने फ़ोन को जी भर के या मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट, अपने फ़ोन को कभी भी हाई वोल्ट के चार्जर से कभी भी चार्ज नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसे करते हो तो आपकी जो फ़ोन की बैटरी है वो डैमेज हो सकती है या फिर ख़राब हो सकती है, और ऐसी बात सुनकर बहुत से दोस्त सच मान बैठते हैं और घबरा जाते हैं कि हाँ अगर हम अपने फ़ोन को हाई वोल्ट चार्जर से अपने फ़ोन को चार्ज करते हैं तो हमारा फ़ोन ब्लास्ट हो सकता है। नहीं भैया, हमें नहीं करना है। बट ऐसा नहीं है दोस्तों, आप अपने फ़ोन को हाई वोल्ट के चार्जर से बिल्कुल चार्ज कर सकते हो। मैंने आपको कहा था ना कि अपना फ़ोन जो है वो स्मार्टफोन है। आजकल का जितने भी स्मार्टफोन है वो इतने स्मार्ट होते हैं कि आपको किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप अगर कोई भी हाई वोल्टेज का, यहाँ पर आप एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर अगर आपका फ़ोन 18 वाट का चार्जर सपोर्ट लेता है, लेकिन इसकी जगह पर आप अगर 30 वाट का या 65 वाट वाले चार्जर्स को इस्तेमाल करते हैं जो स्मार्टफोन में यूज़ किया जाता है, जो इंडस्ट्रीज में जो चार्जिंग के नॉर्म्स को मद्देनज़र से बनाया गया है स्मार्टफोन को चार्जिंग करने के लिए, ऐसे में आप अगर उस चार्जर से अपने फ़ोन को यूज़ करेंगे तो अपने फ़ोन में जो चार्जिंग करने के लिए अपना स्मार्टफोन सिर्फ उतना ही वोल्ट लेगा जितना वोल्ट को वो सपोर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका स्मार्टफोन को 18 वोल्ट का सपोर्ट है तो सिर्फ वो 18 वोल्ट को ही लेगा, ज़्यादा नहीं लेगा। ऐसे में आपको घबराने की कोई बात नहीं है। इनफैक्ट दोस्तों, मैंने इसे खुद ही ट्राई किया हुआ है, मेरे स्मार्टफोन में हाई वोल्ट के चार्जर से चार्ज करके देखा है, अभी तक मुझे कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला है। नेक्स्ट, फ़ोन को चार्ज करते वक्त कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए। ये बात बहुत से लोगों को खटक भी जाती है, लोगों के मन में ये सवाल है और एक क्वेश्चन मार्क भी बना हुआ है कि क्या अगर हम अपने फ़ोन को चार्ज करते वक्त यूज़ करते हैं तो इसमें कुछ नुकसान होगा? तो इसका आंसर है दोस्तों, नहीं। आप अपना फ़ोन चार्ज करते वक्त बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। अगर आप नोटिस करोगे तो आप जब भी आप अपने फ़ोन को चार्ज करते हैं उसी समय यूज़ भी करते हैं तो उस समय स्टार्टिंग में आपका फ़ोन धीरे धीरे गर्म होने लगेगा, यानी कि हीट करने लगेगा। फ़ोन को चार्जिंग में लगाने के बाद आप अपने फ़ोन को यूज़ करने लगते हैं तो आपका फ़ोन हीट इसके लिए होता है, उस वक्त आप अपने फ़ोन को चार्ज भी करते होते हैं और यूज़ भी करते होते हैं, उस वक्त आपके फ़ोन की बैटरी जो है दोस्तों चार्ज भी हो रही होती है और डिस्चार्ज भी हो रही होती है। तो ऐसे में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो उसमें आपका फ़ोन वो बहुत ज़्यादा हीट करने लगता है, या फिर कह लो कि आपके फ़ोन की बैटरी हल्की गर्म होने लगती है। दोस्तों नेक्स्ट, फ़ोन की बैटरी सेविंग करने के लिए फ़ोन में बैटरी सेविंग ऐप का यूज़ करो। अभी भी बहुत से लोग हैं जो अपने स्मार्टफोन में बैटरी सेविंग के लिए बैटरी सेविंग ऐप का यूज़ करते हैं, बैटरी को सेव करने के लिए, क्योंकि उसमें कहा जाता है कि एक एप्लीकेशन को यूज़ करने के बाद अपनी मोबाइल की बैटरी सेव हो जाएगी। बट इसके पीछे दोस्तों ये सच है, जो फैक्ट है वो कुछ और ही है। यहाँ पर जितने भी बैटरी सेविंग ऐप है वो बेसिकली अपने फ़ोन की बैटरी को और भी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं और ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और जल्दी बैटरी को ड्रेन भी कर देते हैं। ये एप्लीकेशन बेसिकली क्या करते हैं दोस्तों, ऐसे में अपने फ़ोन के जितने भी एप्लीकेशन होते हैं उनका जो बैकग्राउंड में डाटा होता है, जो इंटरनेट होता है, उसे वो रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। इसके अलावा आपके फ़ोन की ब्राइटनेस कम कर देता है, वाईफाई को ऑफ कर देता है, ब्लूटूथ को ऑफ कर देता है, और ये जो सारी चीज़ें हैं आप खुद मैन्युअली कर सकते हो, जबकि आपको कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की बैटरी सेविंग ऐप की ज़रूरत नहीं है। इस तरह फालतू बैटरी सेविंग ऐप की आपको ज़रा भी ज़रूरत नहीं है, तो इन सभी चीज़ों से आप दूरी रहो। सो वीडियो कैसी लगी? इंटरेस्टिंग, मज़ेदार, धमाकेदार और नॉलेजेबल? तो इस वीडियो को लाइक ज़रा कर देना।
वीडियो को शेयर कर दो और हाँ, नीचे कमेंट करके आप बता देना कि आप अभी तक इनमें से कौन सी बातों को अभी तक सच मान बैठे थे, नीचे कमेंट करके ज़रा बता देना। और यहाँ चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन को दबा देना ऐसे ही वीडियो के लिए। मिलता हूँ मैं आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।